नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। आज मुझे मौका मिला, मैंने OTT प्लेटफॉर्म पे एक वेब सीरीज देखनी शुरू की। प्रेम के उसमें कई रूप थे। इनफैक्ट उस सीरीज मॉडर्न लव मुंबई नाम उसका ही प्यार से सराबोर था। मॉडर्न लव, जब हम मॉडर्न लव की बात करते हैं तो जो हमने ओल्ड लव देखा है, जो पुराने किस्से कहानियां सुने हैं, उसे हम कैसे भुला दें। नीना गुप्ता ने प्यार किया और फिर बिना शादी के ही उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और बस यूं ही आज जब ये वेब सीरीज देखी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मॉडर्न लव पे उनकी बेटी मसाबा क्या कहती है। मसाबा इंडिया की लीडिंग फैशन डिजाइनर है और एक्ट्रेस नीना गुप्ता की बेटी है। अलग अलग उन्होंने इस पे अपने विचार दिए हैं जो उनकी माँ के विचारों से बिल्कुल अलग है। जो करीब 30-33 साल पहले नीना गुप्ता ने बातें कही थी, लगभग वैसी ही बातें मसाबा ने भी कही। मसाबा कहती है कि मॉडर्न शब्द जो है अपने आप में भले ही अच्छा साउंड करता हो, लेकिन इसको झेलना, इसको अपने ऊपर जीना, ये ज़रा मुश्किल होता है। वो कहती है कि हमेशा से मेरी माँ को मॉडर्न कहा गया और जब उन्होंने सांस टीवी सीरीज बनाई तो उन्हें काफ़ी मॉडर्न बताया गया, क्योंकि इसकी जो स्टोरी थी वक्त से काफ़ी आगे की चीज़ थी। कई बार मुझसे कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न उन्हें बताया गया, क्योंकि मैं एक ऐसे कपल की बेटी हूँ जिसकी शादी नहीं हुई, ये मसाबा कह रही है। और मसाबा आगे ये भी कहती है कि आज भी कुछ नहीं बदला है। शादी से बाहर पैदा हुए बच्चे को पहले भी बातें सुननी पड़ती थी और आज भी बातें सुननी पड़ती हैं। इसे स्वीकार करना अलग चीज़ है और इसे डील करना, यानी कि इसको अपने ऊपर अपने साथ रिलेट करके चलना, एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। आपको सुनने को मिलता है कि ये औरत किसी के साथ सोई थी, इस वजह से बच्चा पैदा हुआ। मैं आज भी उन सिंगल मॉम्स की स्टोरी सुनती हूँ जो शादी के बिना प्रेग्नेंट हुई, तो पता चलता है कि उन्हें यही सब सुनना पड़ता है। आज इतने साल के बाद भी कुछ नहीं बदला। अगर मुझसे पूछा जाए कि मॉडर्न वीमेन होने के नाते क्या मुझमें बिना शादी के बच्चा पैदा करने का साहस है, तो मैं कहूँगी नहीं, मैं उतना प्रेशर नहीं लेना चाहती और ना ही बच्चे को ऐसी सिचुएशन में डालना चाहती हूँ। मसाबा नीना गुप्ता और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के स्टार बैट्समैन विवियन रिचर्ड की बेटी है। ये बात है 1988 की। नीना और विवियन रिलेशनशिप में थे, इसी दौरान नीना प्रेग्नेंट होती है। नीना ने प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का फैसला किया और अपनी किताब सच कहूँ तो मैं नीना ने लिखा, नीना अपनी किताब में लिख रही हैं, मैं माँ बनने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन मैं जानती थी कि बच्चे को दुनिया में लाना सिर्फ मेरा ही फैसला नहीं हो सकता, बच्चे के पिता का भी इस पर उतना ही हक है। मैंने विवियन से बात की, उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लाती हूँ तो क्या उससे उन्हें कोई समस्या होगी। विवियन ने कहा कि अगर मैं चाहती हूँ तो उन्हें कोई समस्या नहीं है, और फिर मसाबा पैदा हुई। नीना अपनी बेटी के पिता का नाम जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन लोग का साथ बैठते हैं, लोगों का काम है बात करना, और एक अखबार ने तो मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट ही छाप दिया था। नीना के लिए सिंगल मदर का सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने अलग अलग मौके पे उसके बारे में कई बार बहुत सारी बातें की और एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि लाइफ की वो कौन सी चीज़ होगी जिस पर वो दोबारा से विचार नहीं करना चाहिए। तो जवाब में नीना ने क्या कहा था, आप सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं शादी के बिना बच्चा पैदा नहीं करना चाहूँगी, मैंने मसाबा से कुछ भी नहीं छिपाया, इसलिए हमारे रिश्ते पे
कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर मुझे पता है कि उसे बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। जो बात नीना ने कही थी वही बात आज इतने सालों के बाद मसाबा ने भी दोहराई है। वैसे ये कोई इकलौता केस नहीं है। एक और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कलाकार हैं कली, उन्होंने 2019 में जब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था बड़ा बवाल हुआ था, क्योंकि तब वो शादीशुदा नहीं थी और क्लिक गाय हर्षवर्ग के साथ रिलेशनशिप में थी। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कह करके और भी बड़ा धमाका कर दिया कि वो इस शादी के अगेंस्ट नहीं है, वो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से शादी नहीं करना चाहती, वो शादी करना चाहती है। ऐसा ही एक और एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां के साथ भी हुआ। चूँकि निखिल जैन से उनका रिश्ता खत्म हो चुका था और जश के साथ उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनसे भी बच्चे को लेकर के यही सवाल किए गए। नुसरत ने तब तक बच्चे के पिता का नाम रिवील नहीं किया, उजागर नहीं किया। और इस मुद्दे पे बातचीत करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि नुसरत ने क्या कहा था। बार बार बच्चे के पिता का नाम पूछना एक औरत के चरित्र पे सवाल उठाना है। बच्चे के पिता को इसके बारे में पता है, हम दोनों माँ बाप बनने के सुखद एहसास को इंजॉय कर रहे हैं, यानी कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है इससे, वो इंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। और एक और बात, अभी हाल ही में मैंने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म देखी, उसमें एक सीन है, गंगूबाई एक स्कूल में बैठी है, उस लड़कियों को एडमिशन कराना चाह रही हैं। वो बताती हैं कि माँ का नाम गंगूबाई, तो सामने से प्रिंसिपल पूछता है बाप का नाम, बाप के नाम के खाने में मैं क्या लिखूं, तो गंगूबाई पूछती है माँ का नाम काफी नहीं है क्या, चल बाप का नाम देवानंद लिख दे। अच्छा एक और बात है, हमारे यहाँ पिता का नाम जानने, पिता क्या करते हैं पिता क्या नहीं करते हैं, ये जानने में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है। और आपने सुना ही है सड़क पर लड़ाई हो जाती है, कहीं भी कोई झगड़ा हो रहा होता है तो जहाँ कहीं शान मारनी होती है, रब दाबना होता है, तो कहते हैं जानता नहीं मेरा बाप कौन है। और ये बात लोग कई तरीकों से अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग तरीकों से कहते हुए आपने अलग कई बार सुना होगा, यानी कि ये बहुत ही यूज होने वाला डायलॉग है। और कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई अपने माँ के नाम को लेकर के रब झाड़ता हो, फिल्म वालों ने भी ऐसा कोई डायलॉग नहीं निकाला, इस्तेमाल नहीं किया। कोई औरत अगर बिना शादी के माँ बनती है तो बच्चे को अवैध कहा जाता है, नाजायज कहा जाता है, जैसे उस बच्चे का कोई लीगल राइट नहीं है, कोई उसे मान्यता नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ सारी सिंगल माओं को जज किया जाता है। वैसे मैं आपको बताऊँ, जज तो हर औरत को किया जाता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, चाहे उसने कुछ भी ना किया हो, चाहे वो एक नॉर्मल माँ हो, एक नॉर्मल पत्नी हो, लेकिन जज करने की आदत हमारे समाज को है। अगर किसी महिला ने बच्चे को गोद लिया है तो उसे बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है, उसकी बड़ी कद्र होती है। लेकिन वही महिला अगर सेक्स करके प्रेग्नेंट हो जाए, माँ बने, तो उसे जज किया जाता है, उस पर शादी का प्रेशर डाला जाता है, पिता का नाम जाहिर करने का दबाव बनाया जाता है। ये भी बात सही है कि बच्चे का पिता कौन है ये माँ ही जानती है। कुछ दिन पहले ही केरल हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई की। महिला तलाकशुदा थी, IVF के जरिए प्रेग्नेंट हुई थी और 8 माह की गर्भवती थी। कोर्ट ने कहा कि किसी सिंगल मदर से उसके बच्चे के पिता का नाम नहीं पूछा जा सकता, और कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस महिला के माँ बनने पर समाज को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, ये महिला और उस बच्चे के सम्मान के खिलाफ जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने ऐसे बच्चों के लिए अलग से बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म जारी किए, और ऐसे फॉर्म जारी किए जिसमें पिता का नाम भरने का कोई बाध्यता नहीं थी, कोई ज़रूरी नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी माँ को उसके बच्चे के पिता का नाम बताने के लिए मजबूर करना, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी का हनन है। जहाँ तक कि बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी पिता की पहचान बताने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बताए। अब मैं आपसे एक बात और कहती हूँ, आप जहाँ भी किसी सिंगल महिला को देखिए, आप उसके लिए सम्मान की नज़र रखें,
आप ये ना सोचे कि उसके पिता का नाम कुरेद कुरेद करके, उसे पूछ पूछ करके उसे आप बड़ी शेमिंग की हालत तक पहुंचा दें। ये अच्छा नहीं होगा उस महिला के लिए। सिंगल महिला को भी समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जिस महिला के लिए कोर्ट ने एक नई परंपरा जारी की है, शुरू की है, उस महिला ने IVF के जरिए अपना बच्चा हासिल करने की कोशिश की है, प्रेग्नेंट हुई है वो, उस पे कोर्ट ने ये एक आदेश जारी किया है। लेकिन मैं पूछती हूँ कि सिंगल मदर अगर कोई है, किसी भी वजह से है, किसी भी वजह से कोई सिंगल मदर हो सकती है, लेकिन उसको आप किसी भी तरीके की पूछताछ करके उसे बॉडी शेमिंग की हालत में नहीं ले जा सकते। दोस्तों क्या कहते हैं आप? आपने कोर्ट की भी राय मैंने आपको बताई है, मसाबा ने क्या कहा, उसकी माँ ने क्या झेला, उसने ये भी बताया कि समाज अभी तक वहीं खड़ा है जहाँ 33 साल पहले खड़ा था। आप क्या कहते हैं? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ किसी और कंटेंट के साथ, तब तक आप मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।